नमस्कार। अब हम लोग आ गए इंडियन हिस्ट्री के अगले चैप्टर पे। इसमें हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस और बियॉन्ड डिस्कस करेंगे नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम, दादाभाई नेहरोजी और दिनशॉ वाशा ने तीनों ने मिलकर 1885 में बम्बई में की थी। इंडियन नेशनल यूनियन एओ ह्यूम ने 1884 में शुरू किया था, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट था। कई नेशनल लीडर्स की मदद के साथ उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई पूना में दिसंबर 1885 में। इस कॉन्फ्रेंस को यूनानिमस सपोर्ट मिला सारे इंडियन लीडर्स का, लेकिन वेन्यू को बम्बई शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि पूना में कॉलरा उस समय आया हुआ था। रीनेम भी किया गया उसको, इंडियन नेशनल यूनियन को, सारे लीडर्स की फरमाइश पे, और उसका नया नाम रखा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था, और डब्ल्यू सी बनर्जी एक कलकत्ता के वेटरन लॉयर इसके प्रेसिडेंट थे। पूरे भारत से 72 डेलीगेट आए थे। 1885 से इंडियन नेशनल कांग्रेस हर साल मिलती है और एक रैपिड स्प्रेड इसका मिडिल क्लास में इंडिया के में होता है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने के बाद इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल शुरू होता है, स्मॉल, हेजिटेंट और माइल्ड, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से। पहले दो डेकेड के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को मॉडरेट डिमांड्स के लिए जाना जाता है, ब्रिटिश जस्टिस और जनरोसिटी पर, जैसे उनको कोई एक कॉन्फिडेंस हो। उनका लक्ष्य था कि इंडिपेंडेंस के लिए एग्रेसिव ना होके, लेकिन कहीं ब्रिटिश और सप्रेस ना करे, इसलिए आमतौर पर मांगते रहना। इसकी वजह से 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है, जिसकी वजह से कुछ मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाना होता है इंडियंस में से, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी पहले ही जैसी बनी रहती है। कुछ मॉडरेट लीडर्स के खास के नाम देख लेते हैं। दादा भवन नौरोजी, ए ओ यूम, बदरुद्दीन तैयब जी, एम जी रानाडे, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी शंकर नैयर, मदन मोहन मालवीय, वी एस श्रीनिवास शास्त्री, तेज बहादुर सप्रू, गोपाल कृष्ण घोसले, आनंद मोहन बोस, ई दिनशॉ वाशा, रास बिहारी घोष, मोहनलाल घोष, पी आनंद चरलू, सी वाई चिंतामणि, आर सी दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर, के टी तेलांग, मधुसूदन दास, रहीमतुल्ला एम सयानी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ खास लोगों के ओपिनियंस इस तरह हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 में जब वायसराय थे तो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करती है। लॉर्ड कर्जन जो 1899 से 1905 तक वायसराय थे, वो बोलते हैं कांग्रेस अपने फॉल के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है और मेरा सबसे बड़ा एम्बिशन ये है कि जब तक मैं भारत में हूं तो उसका पीसफुल डिमाइस तक उसको देख पाऊं। अरबिंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक भिखारियों का समूह है, बेगिंग इंस्टीट्यूट है। बाल गंगाधर तिलक भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को फ़र्क करना चाहिए भीख मांगने में और अपना अधिकार मांगने में। बिपिन चंद्रपाल भी एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, वो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बुलबुलों के साथ खेल रही है। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्सट्रीमिस्ट फेज शुरू होता है 1905 से 17 तक। इसकी मुख्य कारण कि ये मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट फेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस गई, वो ये थे कि ब्रिटिश रूल एक्सप्लॉयटेटिव है, ये पूरी तरीके से सब लोग समझ चुके थे। अंतर्राष्ट्रीय इन्फ्लुएंस था और ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से वाइट सुप्रीमेसी या यूरोपियन सुप्रीमेसी की जो दंत कथाएं थीं वो अब धूमिल होने लगी थीं। इसके मुख्य कारण थे कि एबिसिनिया या इथियोपिया जो था उसने इटली को 1896 में हरा दिया। बोर युद्ध जो साउथ अफ्रीका में हुए 1899 से 1902 तक, उसमें ब्रिटिश को कई बार वापस होना पड़ा, हार माननी हारना पड़ा। जापान ने रशिया को 1905 में कामचटका के पास हरा दिया। मॉडरेट्स के अचीवमेंट से भी डिससेटिस्फैक्शन थी एक्सट्रीमिस्ट को कि वो कुछ पा नहीं पाए भीख मांग के इतने समय तक। रिएक्शनरी पॉलिसीज जो कर्जन की थी, जैसे कि कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट 1904 का, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1905 का और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का, इसकी वजह से भी मॉडरेट्स की साख खत्म हुई क्योंकि उनकी सुनी नहीं जा रही थी। एक मिलिटेंट स्कूल भी था थॉट का, जिसमें ट्रेंड लीडरशिप उसमें से निकल के आ रही थी, उसकी वजह से भी ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हुए। मुख्य एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो उस समय के हैं उनको और उनके अचीवमेंट्स पे एक नज़र डाल लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था,
वो अगरकर, राणा डे, नौरोजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। उन्होंने दो न्यूज़पेपर शुरू किए, मराठी में केसरी और अंग्रेज़ी में मराठा। उन्होंने गणपति फेस्टिवल 1893 में शुरू किया और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में। उनको बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया था सेडिशियस आर्टिकल्स लिखने के जुर्म में। उन्होंने होम रूल लीग शुरू की 1916 में और गीता रहस्य लिखा, और तिलक ने कहा कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ये फेमस लाइन है उनकी। फिर लाला लाजपत राय पंजाब से थे, आर्य समाज के इन्फ्लुएंस में उन्होंने नेशनल स्कूल लाहौर में शुरू किया था, और AITUC जो 1920 में हुई उसके ये लीडर थे। साइमन कमीशन का इन्होंने बॉयकॉट किया था और उसके खिलाफ लाहौर में आंदोलन किया था। इसी आंदोलन के दौरान पुलिस ने उनको बहुत बुरी तरह मारा और उनकी अंततः मौत हो गई। इसके अलावा विपिन चंद्रपाल, इन्होंने ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को डिस्कार्ड किया और ब्रह्म समाज में एंट्री ली। ये इंग्लैंड और अमेरिका भी गए। इन्होंने एक इंग्लिश वीकली शुरू किया, न्यू इंडिया। इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया और इन्होंने बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन, स्वराज और पासिव रेजिस्टेंस के नियम दिए, और उन्होंने वंदे मातरम की भी स्थापना की। इसके बाद में श्री अरविंदो घोष, इन्होंने ICS का एग्ज़ाम पास किया रिकॉर्ड मार्क्स के साथ ग्रीक और लैटिन में। उनकी यूरोपियन अपब्रिंगिंग थी। सीक्रेट सोसाइटीज़ बंगाल और महाराष्ट्र की जो थी उनके साथ उन्होंने काम किया। इन्होंने एक बंगाली डेली अखबार शुरू किया जुगांतर। इन्होंने सेडिशियस आर्टिकल्स लिखे अपने अखबार वंदे मातरम, जो वंदे मातरम उन्होंने विपिन चंद्र पाल ने शुरू किया था उसमें। इनको ट्रायल पे रखा गया, मानिक तल्ला कलकत्ता बॉम्बे बॉम्ब कॉन्स्परेसी केस में, मानिक तल्ला बॉम्ब कॉन्स्परेसी केस जो था उस पर। अंत में ये रिटायर हो गए और योगा शुरू किया इन्होंने पौंडिचेरी में। इनके अलावा कुछ और एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, चक्रवर्ती विजी राघवर चिरियार, अश्विनी कुमार दत्ता, राज नारायण बोस, टी प्रकाशम, चिदंबरम पिल्लई और अन्य। एक्सट्रीमिस्ट्स के मेथड्स जो थे उन पर नज़र डालते हैं। पासिव रेजिस्टेंस, यानी कि नॉन कोऑपरेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, उनके गुड्स को, सर्विसेज को, कोर्ट्स को, स्कूल कॉलेज सबको बॉयकॉट करना। स्वदेशी का प्रमोशन और फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, ये इनका मेन था। इसके बाद 1905 में कर्जन ने बंगाल को जब पार्टीशन किया तब एक बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ 1905 से 8 तक का। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का पार्टीशन इफेक्ट में आया, रॉयल प्रोक्लेमेशन एक निकाला गया था जिससे कि जो पुरानी प्रोविंस थी बंगाल की उसको छोटा करने के लिए एक नई प्रोविंस बनाई जा रही थी, ईस्ट बंगाल, जो कि बाद में ईस्ट पाकिस्तान बनी, आज का बांग्लादेश बनी। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि यह इसलिए किया गया था जिससे ग्रोथ और अंडर डेवलपमेंट जो ईस्टर्न रीजन है बंगाल का उसको कम किया जा सके, लेकिन इसका मेन कारण था डिवाइड एंड रूल। ये सबसे एडवांस्ड रीजन था देश का उस समय पे, और मुख्य कारण था पार्टीशन करने का कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो एजुकेटेड मिडिल क्लास में आ रहा था बंगाली इंटेलिजेंसिया में उसको तोड़ा जाए, कम्युनल गल्फ बनाया जाए हिंदू मुस्लिमों के बीच में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बंगाल के पार्टीशन का पूरी तरह से भर्सना की, कंडेम किया उसको। इसके बाद बॉयकॉट और स्वदेशी मूवमेंट ने तूल पकड़ी। इसका जेनेसिस होता है एंटी पार्टीशन मूवमेंट से ही, इन दोनों मूवमेंट का, जो कि ब्रिटिश डिसीजन जो था बंगाल को डिवाइड करने का उसको अपोज करना था। स्वदेशी मूवमेंट शुरू होने के साथ ही साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट भी काफ़ी तेज़ आगे बढ़ा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी का कॉल दिया बनारस सेशन में 1905 में, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले लीडर थे, और स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट जो बंगाल के थे उसको सपोर्ट किया। मिलिटेंट नेशनलिज्म शुरू हुआ, वो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंदो घोष ने शुरू किया, जो कि मूवमेंट को पूरे भारत तक फैलाने के पक्ष में थे। सिर्फ स्वदेशी या बॉयकॉट से निकल के फुल फ्लेज्ड पॉलिटिकल मास स्ट्रगल इसे बनाना चाहते थे। 7 अगस्त 1905 को एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट करने का इंडियन नेशनल कांग्रेस की कलकत्ता मीटिंग में। ये इकोनॉमिक मेजर की तरह शुरू किया जाता है इंडियन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करने के लिए।
फॉरेन गुड्स को जलाना शुरू कर दिया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े बड़े शहरों में सब में। तिलक इसको कई और शहरों में दूसरे भाग में ले गए भारत के, जैसे कि पुणे, बम्बई। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने स्वदेशी मैसेज पंजाब में पहुंचाया और उत्तर भारत के हिस्सों में पहुंचाया। सैयद हैदर रजा ने एक एजेंडा शुरू किया दिल्ली में, और रावलपिंडी, कांगड़ा, जम्मू, मुल्तान और हरिद्वार ने पब्लिक पार्टिसिपेशन देखा स्वदेशी मूवमेंट में। चिदंबरम पिल्लई इसको मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ले गए, जो कि ब्रिटिश बिपिन चंद्र पाल का जो लेक्चर टूर चल रहा था उससे प्रभावित होके। इसके अलावा उसी समय 1906 में एक मुस्लिम लीग पार्टी बनती है, दिसंबर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये नवाब सलीमुल्लाह ढाका या ढाका में शुरू करते हैं। लीग ने भी पार्टीशन ऑफ बंगाल का सपोर्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट को अपोज किया और स्पेशल सेफगार्ड्स मांगे अपनी कम्युनिटी या मुसलमानों के लिए, और सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा मुसलमानों के लिए। इसकी वजह से हिंदू और मुस्लिमों में कम्युनल डिफरेंसेस आ गए। फिर कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है 1906 से, इसमें स्वराज की मांग रखी जाती है। दिसंबर 1906 में कलकत्ता में इंडियन नेशनल कांग्रेस दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में है और वो स्वराज का गोल अपना अडॉप्ट कर लेती है। नौरोजी अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब लक्ष्य है कि सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज जैसा ले ले यूनाइटेड किंगडम जैसा। मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस थे, पेस ऑफ मूवमेंट, टेक्निक या स्ट्रगल की जो चल रही थी, वो 1907 में आमने सामने आ गई सूरत सेशन में कांग्रेस के, जहाँ पे पार्टी दो टुकड़ों में बट जाती है स्वदेशी मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस। फिर सूरत स्प्लिट जो है 1907 की, इसमें एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है दो हिस्से में बट जाते हैं। तापी नदी के तट पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक्सट्रीमिस्ट में आते हैं तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, और मॉडरेट्स में आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और अन्य। सूरत सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट डेलीगेट जो हैं कांग्रेस के, वो बहुत ही एक्साइटमेंट और गुस्से के एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। सूरत फियास्को जो हुआ उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो हैं वो अपना कोऑपरेशन वर्किंग कमेटी जो है कांग्रेस की उसमें ले लेते हैं और प्रेसिडेंटशिप राज बिहारी घोसे की होती है, लेकिन मॉडरेट्स मानते नहीं हैं, वो अपने आप उसी लक्ष्य पे रहते हैं जिस पे वो थे। इसी सब को देखते हुए गवर्नमेंट जो है एक्सट्रीमिस्ट पे अटैक शुरू कर देती है उनके अखबारों और लीडरों पे। तिलक को मांडले जेल बर्मा भेज दिया जाता है 6 साल के लिए, इसकी वजह से वो लोग इफेक्टिव पार्टी नहीं बना पाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। अरविंदो घोष पॉलिटिक्स छोड़ देते हैं, पौंडेचेरी चले जाते हैं। बिपिन चंद्रपाल भी पॉलिटिक्स कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। लाला लाजपत राय ब्रिटेन चले जाते हैं। 1908 के बाद नेशनल मूवमेंट काफ़ी डिक्लाइन होता है। फिर 1909 में मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म्स आते हैं। इस समय लॉर्ड मिंटो वायसराय हैं, लॉर्ड मॉर्ले जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है मुसलमानों के लिए और अन्य कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स की भी बात होती है। इससे कांग्रेस के अंदर एक रिफ्ट बनाने की कोशिश करती है कंपनी ब्रिटिश क्राउन, जिससे कि मॉडरेट्स का सपोर्ट भी मिल जाए और मुस्लिमों को हिंदुओं के अगेंस्ट भी किया जा सके। ये जो दूसरी चीज़ हिंदू मुस्लिम तोड़ लेने के लिए एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाता है सेपरेट इलेक्टोरेट का, जिसमें मुसलमानों को सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स के ही वोट करने की आज़ादी होगी। ये इसलिए किया जाता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंटरेस्ट जो हैं हिंदू और मुस्लिमों के वो सेपरेट हैं, कॉमन नहीं है, ये साबित करते हैं अंग्रेज। भारतीय पॉलिटिकल लीडर जो हैं डिससेटिस्फाइड थे इन रिफॉर्म्स से। फिर होम रूल मूवमेंट शुरू होता है 1915-16 में, बाल गंगाधर तिलक इसको शुरू करते हैं। पूना में अप्रैल 28, 1916 में एनी बेसेंट इंस्पायर होती हैं आयरिश रिबेलियन से, होम रूल मूवमेंट भारत में लाती हैं सितंबर 1916 में। ये मूवमेंट जल्दी पूरे देश में फैल जाता है और बाल गंगाधर तिलक इसका समर्थन करते हैं। ये दोनों मिलके मुस्लिम लीग को भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट करने को कहते हैं।
फिर 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए किया जाता है। एंटी ब्रिटिश फीलिंग जो है मुस्लिम्स में जो होती हैं युद्ध के बाद जो ब्रिटेन और टर्की का हुआ वो सामने आ जाती हैं, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं लखनऊ में 1916 में, और एक लखनऊ पैक्ट साइन होता है। कांग्रेस जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात एक्सेप्ट कर लेती है और फिर दोनों मिलकर डोमिनियन स्टेटस मांगते हैं भारत के लिए। हिंदू मुस्लिम यूनिटी ब्रिटिश को अलार्म कर देती है और गवर्नमेंट को अनाउंस करनी पड़ती है अपनी फ्यूचर पॉलिसी। 1916 में ब्रिटिश पॉलिसी अनाउंस होती है जिसमें भारत की जो एसोसिएशन है गवर्नमेंट के साथ वो बढ़ जाती है भारतीयों की, और लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन शुरू किए जाएंगे इसकी भी बात होती है। 1917 में मॉन्टेग डिक्लेरेशन या अगस्त डिक्लेरेशन आते हैं, इसमें इंडियन गवर्नमेंट पे कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा ग्रेजुअली इंडियन लोगों को, और ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो लखनऊ पैक्ट में देखी इसी के बाद का असर था। इसके अलावा कई सारी रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस भारत की हैं, उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। व्यायाम मंडल की स्थापना 1896-97 में पूना में चापेकर ब्रदर्स ने की थी। मित्र मेला शुरू हुआ 1901 में नासिक में, बाद में पूना शिफ्ट हुआ, ये सावरकर ब्रदर्स ने किया। अनुशीलन समिति मिदनापुर में 1902 में शुरू हुई, परमार्थनाथ मित्र ने शुरू की। अभिनव भारत पूना से शुरू हुआ 1904 में, विक्रम दामोदर सावरकर ने शुरू किया। स्वदेश बंधव समिति वरिसाल में शुरू हुई 1905 में, अश्विनी कुमार दत्ता ने शुरू की। अनुशीलन समिति ढाका में 1907 में शुरू हुई, पुलिन बिहारी दास ने शुरू की। अजीत सिंह और सूफी अंबा प्रसाद ने मिलकर भारत माता सोसाइटी पंजाब में शुरू की 1907 में, और सचिंद्रनाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आर्मी कानपुर में शुरू की 1924 में। फिर भारत नौजवान सभा लाहौर में शुरू हुई 1926 में, भगत सिंह ने शुरू की, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी शुरू हुई दिल्ली में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में। भारत के बाहर इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस पर एक नज़र डालते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडिया हाउस लंदन में शुरू हुआ 1904 में, यह श्याम जी कृष्ण वर्मा ने शुरू किया। इसके अलावा अभिनव भारत लंदन में शुरू हुआ, विक्रम दामोदर सावरकर ने 1906 में शुरू किया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग कैलिफोर्निया यूएसए में शुरू हुए, तारक नाथ दास ने शुरू की 1907 में। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की नींव रखी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। लाला हरदयाल और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन जर्मनी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग शुरू की 1914 में, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग एंड गवर्नमेंट शुरू हुई राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में काबुल में 1915 में। इसके अलावा कुछ रेवोल्यूशनरी इवेंट्स और केसेस जो हुए उस समय, रैंड और एमहर्स्ट का मर्डर हुआ जो कि प्लेग कमिश्नर्स थे पूना के, उनको किया चापेकर ब्रदर्स दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में। किंग्सफर्ड का मर्डर करने की कोशिश हुई, वो एक विंडिक्टिव जज था, वो खुदी राम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने यह कोशिश की मुजफ्फरपुर 1908 में। माणिकतल्ला कलकत्ता और अलीपुर का बॉम्ब कॉन्स्परेसी केस, ये दो बॉम्ब कॉन्स्परेसी केस थे, ये अरबिंदो घोष इसमें अक्यूज थे 1908 में। जैक्सन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था उसका मर्डर हुआ और नासिक में हुआ ये 1909 में, और आनंद करकरे ने ये किया। कर्जन वाइली का मर्डर लंदन में हुआ, मदन लाल ढींगरा ने किया 1909 में, और हार्डिंग जो वाइसरॉय था उस समय का उसके मर्डर की कोशिश की गई दिल्ली बॉम्ब केस जिसको कहा जाता है, ये दिल्ली में 1912 में हुआ, रास बिहारी बोस और बसंत कुमार ने किया। काकोरी ट्रेन डकैती केस है, काकोरी लखनऊ का स्टेशन है सहारनपुर वाली डिवीजन में, वो काकोरी में हुआ 1925 में, ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान ने किया। सॉन्डर्स का मर्डर जो एएसपी था लाहौर का, वो लाहौर में हुआ, भगत सिंह ने किया 1928 में। फिर असेंबली बॉम्ब केस है दिल्ली का 1929 का, ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किया। चिटागोंग आर्मरी डकैती चिटागोंग में हुई, सूर्यसेन ने की 1930 में, और जनरल ड्वायर का मर्डर उद्धम सिंह ने लंदन में जाके किया 1940 में। इसके बाद फिर भारत में गांधीयन एरा शुरू हो जाती है, महात्मा गांधी भारत आ चुके होते हैं।
महात्मा गांधी के जीवन की एक कहानी देख लेते हैं। महात्मा गांधी 1869 से 1948 तक थे और साउथ अफ्रीका में 1893 से 1914 तक थे। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में थे 1893 से 1914 तक, 1893 में गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, 1894 में वहाँ पे नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिर इंडियन एम्बुलेंस कोर बनाते हैं बोर वॉर्स के दौरान 1899 में, इंडियन ओपिनियन नाम की एक मैगजीन शुरू करते हैं और फीनिक्स फार्म डालते हैं फीनिक्स डर्बन में 1904 में, 1906 में पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट या सत्याग्रह शुरू करते हैं एशियाटिक ऑर्डिनेंस जो ट्रांसवाल में दिया गया उसके खिलाफ, 1907 में सत्याग्रह शुरू करते हैं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर एशियंस जिसे ब्लैक एक्ट कहा जाता था ट्रांसवाल में उसके खिलाफ, 1908 में उनका ट्रायल होता है, इम्प्रिजनमेंट होता है जोहानसबर्ग जेल में, ये इनका पहला जेल टर्म है, 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना करते हैं जिसका कि नाम बाद में गांधी आश्रम रख दिया जाता है जोहानसबर्ग के पास, 1913 में सत्याग्रह शुरू करते हैं डी रिकग्निशन नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस का केप टाउन में जो हो रहा था उसके खिलाफ, फिर 1914 में साउथ अफ्रीका छोड़ देते हैं हमेशा के लिए और भारत आ जाते हैं और केसरी हिंद का अवार्ड उन्हें मिलता है इंडियन एम्बुलेंस कोर शुरू करने के लिए बोर वॉर्स में। फिर इसके बाद 1915 से 48 तक वो भारत में हैं। 1915 में बॉम्बे पहुंचते हैं, 9 जनवरी 1915 को सत्याग्रह आश्रम शुरू करते हैं कोचराब में अहमदाबाद के पास 20 मई को, और 1917 में आश्रम को साबरमती के पास शिफ्ट किया जाता है, उसी समय ये ऑल इंडिया टूर भी अपना शुरू कर देते हैं। 1916 में एक्टिव पॉलिटिक्स से एब्सटेन करते हैं लेकिन लखनऊ सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 26 से 30 दिसंबर 1916 में होता है जहाँ पे राजकुमार शुक्ला एक बिहार का कल्टीवेटर उनसे कहता है कि वो चंपारण आए और वहाँ पे उनकी मदद करें। 1917 में गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में आते हैं चंपारण कैंपेन में, जो कल्टीवेटर्स हैं जिन्हें ऑपरेस किया जा रहा है इंडिगो प्लांटर्स द्वारा बिहार में, अप्रैल 1917 में उनके खिलाफ चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है, वो उनका पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है भारत में। फरवरी 1918 में गांधी अहमदाबाद में स्ट्रगल शुरू करते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल वर्कर्स के खिलाफ हंगर स्ट्राइक शुरू करते हैं एक वेपन की तरह, पहली बार गांधी अहमदाबाद स्ट्रगल में। मार्च 18 में गांधी खेड़ा के जो पेजेंट्स हैं उनके लिए काम करते हैं जो रेंट की वजह से क्रॉप फेलियर के बाद समस्या झेल रहे थे। खेड़ा सत्याग्रह भारत का पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। 1919 में गांधी सत्याग्रह की कॉल देता है रॉलेट एक्ट के खिलाफ अप्रैल 6, 1919 में, और नेशनलिस्ट मूवमेंट का कमांड ले लेता है अपने हाथ में। पहला ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट ये गांधी जी का है। गांधी जी वापस आते हैं, वापस कर देते हैं केसरी हिंद गोल्ड मेडल जो उन्हें मिला था जलियांवाला बाग के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, और 13 अप्रैल 1919 को ये होता है जलियांवाला बाग। और फिर ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस गांधी को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है नवंबर 1919 में दिल्ली में। फिर 1920 से 22 तक गांधी नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट लीड करते हैं अगस्त 1920 से लेके फरवरी 1922 तक। इसके गांधी फिर ये मूवमेंट कॉल ऑफ कर देते हैं 12 फरवरी 1922 को जब चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भारत का पहला मास बेस्ड पॉलिटिक्स था गांधी के अंडर में। 1924 में बेलगाम या कर्नाटक सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली और आखिरी बार गांधी को अपना प्रेसिडेंट चुनती है। 1925 से 27 तक गांधी रिटायर कर जाते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से पहली बार, और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम जो कांग्रेस के हैं उसमें अपना ध्यान लगाते हैं, वापस 27 में एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। 1930 से 34 तक गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करते हैं अपनी डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह के साथ, जिसका कि पहला फेज है 12 मार्च 1930 से 5 मार्च 1931। फिर है गांधी इरविन पैक्ट जो 5 मार्च 1931 को साइन होता है पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। फिर दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी लंदन पहुंचते हैं कांग्रेस के इकलौते रिप्रेजेंटेटिव बन के। ये चलती है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक, और ये सेकंड फेज जो है इसका सिविल डिसोबीडियंस का ये है 3 जनवरी 1932 से 17 अप्रैल 1934 तक। फिर 1934 से 1939 तक गांधी फिर एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाते हैं।
सेवाग्राम या वारधा आश्रम शुरू करते हैं। उसी समय 1939 में दोबारा वो एक्टिव पॉलिटिक्स में जुड़ते हैं और गांधी इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट शुरू कर देते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की कॉल दी जाती है, जिसके के लिए गांधी स्लोगन रेज करते हैं, करो या मरो, डू और डाई, कि वी शैल ईदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट। गांधी और कांग्रेस लीडर अरेस्ट कर लिए जाते हैं 9 अगस्त 1942 को। 1942 से 44 तक गांधी को डिटेंशन में रखा जाता है आगा खान पैलेस पूना में। 9 अगस्त 42 से मई 44 तक गांधी अपनी जान वाइफ को खो देते हैं कस्तूरबा को 22 फरवरी 1944 को, और प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई को भी जल्दी खो देते हैं। ये गांधी जी का अंतिम प्रेजेंट टर्म था। गांधी का जो इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पे वो 1945 के बाद कम होता जाता है। 1946 में कम्युनल वायलेंस से बहुत परेशान होकर गांधी जी मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन कॉलम से जो हुई थी उसकी वजह से नोआखली जाते हैं ईस्ट बंगाल में, जो आज के बांग्लादेश में है, फिर कलकत्ता जाते हैं कम्युनल पीस रिस्टोर करने के लिए। 1947 में गांधी जी बहुत दुखी हैं माउंटबेटन प्लान की वजह से या पार्टीशन प्लान की वजह से जो 3 जून 1947 को दिया गया। कलकत्ता में कम्युनल वायलेंस को रोकते ही समय वो कंप्लीट साइलेंस या मौन व्रत रखते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस की डेट को 15 अगस्त 1947 को। गांधी वापस दिल्ली आते हैं सितंबर 1947 में। 1948 में गांधी को गोली मार दी जाती है नाथूराम गोडसे द्वारा, जो मेंबर हैं आरएसएस के। वो जब इवनिंग प्रेयर मीटिंग के लिए बिरला हाउस जा रहे थे तब ये होता है नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को। मरते मरते गांधी जी हे राम बोलते हैं। गांधी जी कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को ख़त्म कर दिया जाए इंडियन, जब इंडिया इंडिपेंडेंस पा जाए, और उसको एक लोक सेवक समाज में कन्वर्ट कर दिया जाए। गांधी जी के बारे में कुछ खास फैक्ट्स हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। यूएनओ ने डिक्लेयर किया है 2 अगस्त को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। गांधी जी के पिताजी हैं करमचंद गांधी, माता हैं पुतलीबाई, पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले और प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई। गांधी पे लिटरेरी इन्फ्लुएंस है जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट, एमर्सन, थरो और टॉलस्टॉय का, बाइबल और गीता का। गांधी जी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ अपनी ऑटोबायोग्राफी 1927 में, 1922 तक के वो इवेंट्स उसमें लिखते हैं। एडिटर की तरह गांधी ने 1903 से 15 तक इंग्लिश और गुजराती में और कुछ समय तक हिंदी तमिल में भी इंडियन ओपिनियन नाम का एक पेपर लिखा है। इसके अलावा हरिजन 1919 से 31 तक लिखी इंग्लिश गुजराती और हिंदी में, यंग इंडिया 1933 से 42 तक इंग्लिश और गुजराती में, और उसका नाम रखा नवजीवन गुजराती में और हिंदी में, इंग्लिश में यंग इंडिया। इसके अलावा कुछ अन्य नाम है महात्मा या संत, जो इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1917 में दिया, मलंग बाबा या नंगा फकीर या नेकेड सेंट, या ये कबायलियों ने दिया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे 1930 में, इंडियन फकीर, ट्रेटर फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा 1931 में, हाफ नेकेड सेंट या अर्ध नंगा फकीर फ्रैंक मोर्स ने कहा 1931 में, राष्ट्रपिता या फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस ने कहा 1944 में। गांधी नेहरा के कुछ मेन इवेंट्स पे कुछ डिटेल नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले है रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ। इस समय वॉइसरॉय है लॉर्ड चेम्सफोर्ड और एक सेडिशन कमेटी अपॉइंट की जाती है गवर्नमेंट द्वारा 1918 में, जिसमें जस्टिस रॉलेट भी हैं, जिसने कुछ रिकमेंडेशन किए सेडिशियस एक्टिविटी को भारत में कर्ब करने के लिए। रॉलेट एक्ट 1919 आया, उसने गवर्नमेंट को काफ़ी पावर दी अरेस्ट या इम्प्रिजन करने के लिए सस्पेक्ट्स को बिना किसी ट्रायल के। इसकी वजह से इंडियन लोगों में काफ़ी गुस्सा था। एक्ट पास होने से पहले काफ़ी एजिटेशन हुए उसके खिलाफ। गांधी जी ने भी इस एक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए कॉल दी, 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह के लिए किया, 8 अप्रैल को वो अरेस्ट हो गए। इसके बाद और ज़्यादा इंटेंसीफाई हुआ एजिटेशन दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में। 13 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जो दो डॉक्टर थे, इन दोनों का अरेस्ट जब 10 अप्रैल 1919 को हो गया रॉलेट एक्ट के अंदर, तो फिर जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हुई। सत्याग्रह हो रहा था और सत्याग्रह में ये लोग पकड़े गए थे और फिर पंजाब में काफ़ी अनरेस्ट था। ये मीटिंग जलियांवाला बाग अमृतसर में हो रही थी, हज़ारों महिलाएं और बच्चे इकट्ठे थे।
मीटिंग शुरू होने से पहले जनरल ओडायर ने ये ऑर्डर दिया कि सब पे गोली चला दी जाए। भीड़ पे उस पार्क में से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसकी वजह से सैकड़ों लोगों की, महिलाओं, बच्चों की, आदमियों की मौत हो गई और 1200 लोगों को चोटें भी आईं। ये मैसेकर इंडो ब्रिटिश रिलेशनशिप्स में एक टर्निंग पॉइंट था और इसके बाद से फाइट फॉर फ्रीडम के लिए लोग बिल्कुल तत्पर हो गए। सरदार उद्धम सिंह एक इंडियन पेट्रियट थे पंजाब के, वो भी जनरल, उसने जनरल ओडायर को लंदन में जाके 1940 में मारा। इसके अलावा एक खिलाफत मूवमेंट जो गांधी ने 1920 से 22 तक चलाया, जो खलीफा या कैलिफ था, टर्की का सुल्तान, उसको मुस्लिम जो है अपने रिलीजियस हेड की तरह देखते थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान टर्की को थ्रेटन किया गया ब्रिटिश द्वारा, इसकी वजह से खलीफा की पोजीशन कमज़ोर हुई। इंडियन मुस्लिम्स इसके वजह से एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड रखने लगे और अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट शुरू किया 1920 में। इसी को खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, खिलाफत को रिस्टोर करने के लिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस मूवमेंट को भारत में लीड कर रहे थे और गांधी जी भी इसको सपोर्ट करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी इसको सपोर्ट किया, जिससे कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी देश में आगे बढ़ी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला। कलकत्ता सेशन में सितंबर 1920 में कांग्रेस ने यह तय किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया जाएगा और स्वराज उसका अल्टीमेट गोल है, एम है गांधी जी के हिसाब से। ये मूवमेंट सरेंडर कर रहा था अपने टाइटल, ऑनररी ऑफिस और नॉमिनेटेड ऑफिस से रेजिग्नेशन, गवर्नमेंट दरबार या ऑफिशियल फंक्शन करना रिफ्यूज़, और ब्रिटिश कोर्ट और लॉयर्स को पूरा बॉयकॉट, जनरल पब्लिक मिलिट्री या गवर्नमेंट जॉब्स में जाने को मना कर दे और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दे। गांधी जी और अली ब्रदर जो खिलाफत मूवमेंट के थे, उन्होंने नेशनल वाइड टूर शुरू किया जिसमें कि मीटिंग्स एड्रेस करनी थी। एजुकेशनल बॉयकॉट शुरू हुआ बंगाल में और पंजाब में लाला लाजपत राय की लीडरशिप में। लॉ, कोर्ट ऑफ लॉज का भी बॉयकॉट शुरू हुआ। इसमें मेजर लीडर थे मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, राजगोपालचारी, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, अरना असफ अली। इन्होंने लुक्रेटिव प्रैक्टिसेस अपनी सारी छोड़ दी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू हुआ और दुकानों में चोरियां शुरू हुई जहाँ पे फॉरेन क्लॉथ बिकते थे। फॉरेन क्लॉथ का बायकॉट शुरू हुआ गांधी जी के फॉलोअर्स द्वारा। और एक और ड्रामेटिक इवेंट जो हुआ इस समय पे, वो था कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। जिस दिन वो भारत आए बम्बई में, 17 नवंबर 1921 को, उनको खाली सड़कें दिखाई दी और जहाँ भी वो गए वहाँ सब बंद हो चुका था। लोकल पुलिस स्टेशन पे भी लोगों ने हमला किया, चौरी चौरा गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में 5 फरवरी 1922 को। इससे पूरी परिस्थिति बदल गई, गांधी शॉक हो गए इससे और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। इसके बाद 1923 में गांधी ने डिसीजन जो लिया इस एजिटेशन को वापस करने का, इससे काफ़ी लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, इनका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया मोतीलाल नेहरू, सी आर दास और एन सी केलकर ने। उन्होंने एक स्वराज पार्टी शुरू की, वो 1 जनवरी 1923 को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से, ये ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम की तरह शुरू किया गया जिससे कि वाइड स्प्रेड सिविल डिसोबीडियंस प्रोग्राम जो था, मेंबर वो सारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर को, जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म जो 1919 में हुए थे उसके बाद के, वो इलेक्शन करें ये लोग और लेजिस्लेचर को विदिन से अंदर जाके ही उसको तोड़ें और मॉरल प्रेशर का इस्तेमाल करें जिससे कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो पॉपुलर डिमांड सेल्फ गवर्नेंस की जो है उसको पूरा करें। 1923 में इलेक्शन होता है, स्वराज पार्टी 45 सीट जीतती है 145 में से। सेंट्रल प्रोविंसेस में उनको क्लियर मेजॉरिटी मिलती है और इलेक्शंस में तो नहीं मिल पाती है, सेंट्रल प्रोविंस में मिलती है। बंगाल में स्वराज पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है, वो अनडाइल्यूटेड ऑपोजिशन की पॉलिसी शुरू करते हैं। स्वराजिस्ट कहते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर और प्रोविंशियल हैं वो उनको छोड़ दिया जाए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाए और जो रिप्रेसिव लॉज हैं गवर्नमेंट के उनको रिपील किया जाए।
सी आर दास की मौत के बाद 1925 में ये कोऑपरेशन शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट के साथ। इसकी वजह से पार्टी में डिसेंशन आता है और वो टूट जाती है 1926 में। 1927 में साइमन कमीशन आता है, इस क्योंकि ब्रिटिश जो है वो अपने डायरकी सिस्टम को रिव्यू करना शुरू करती है, जो मॉन्टेक चेल्सफोर्ड ने 1919 में लाया था और स्वराज पार्टी भारत की गवर्नमेंट में आ गई थी, मतलब अंदर से ही तोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन नवंबर 1927 में इस टास्क के लिए लाती है कि ये क्या इसका रिजल्ट रहा मॉन्टेक चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 का। इसके सारे मेंबर्स यूरोपियंस या वाइट्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स इसको पसंद नहीं करते हैं, इसको बॉयकॉट करते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में लाठी चार्ज हो जाता है जिसमें लाला लाजपत राय की मौत हो जाती है। इसी मौत के बाद भगत सिंह और उसके कॉमरेड उनसे बदला लेने के लिए एक वाइट पुलिस ऑफिशियल सॉन्डर्स को मार देते हैं दिसंबर 1928 में। इसके बाद फिर नेहरू कमिटी रिपोर्ट आती है 1928 में ही, नेहरू कमिटी रिपोर्ट से अब अगली बार करेंगे, आज के लिए इतना ही।